और आज शहीद स्मारक पर हमारे जो स्वतंत्र सेनानी है वो खुद और उनके उत्तराधिकारी है, उन्होंने आज एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए, हमें मान सम्मान दीजिए, और उन्हीं सब के लिए आज एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ है खुद स्वतंत्रता सेनानी रामू जी, हम उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। भारत की आज़ादी में आपका काफ़ी योगदान रहा है, सराहनीय रहा है, काफ़ी त्याग और बलिदान दिए थे, अपने अपनी खुशी को कुर्बान किया था, लेकिन आज आपको शहीद स्मारक पर बैठना पड़ रहा है। ऐसा जी, अब मैं 9 अगस्त क्रांतिकारी दिवस होता है, उसी से हम शहीद स्मारक पर बैठे हैं, और पूरे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी अधिकारी कोने कोने से आए हुए हैं यहाँ, और आज 18 19 दिन हो गए, लेकिन सरकार का अभी मुंह बंद है, क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है। हमारी मांग ऐसी है कि कोई ऐसी सरकार पे कोई भार भी नहीं पड़ रहा है, जो और प्रांतों के माने सुविधा है वही सुविधा मांग रहे हैं, नई चीज़ कोई भी नहीं मांग रहे हैं। तो सरकार को सद्बुद्धि देवे कि भाई जो स्टेटा में और में है वो यहाँ भी हमारे के लिए लागू करे, और सद्बुद्धि से सब जितने भी राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अधिकारियों को इसका लाभ मिले। जब तक ये लाभ नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं, ये लाभ लेकर के ही हटेंगे, क्योंकि हमारी मांग कोई ऐसी नहीं है, नाजायज मांग भी नहीं है, हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है। सरकार पे ऐसा कोई भार भी नहीं पड़ रहा है कि मैं कुछ मांग रहे हैं उनसे, जो स्टेटों के मायने बाहर पूरा भारत के मायने स्टेटों में जो मांग है ना वही मांग हमारी है, इससे अलग हम एक हमारी एक भी मांग नहीं है। 2006 से पहले जो सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन बाद में अब है वो बंद कर दी गई है। बंद नहीं की है वो, ये ऐसा है उत्तर अधिकारियों को नहीं मिल रही है, और स्टेटा के मायने है सबको आज के 4-5 साल पहले से मिल रही है, जबकि यहाँ सरकार कांग्रेस की है और स्टेटों के मायने बीजेपी सरकार है, वहाँ सब सुविधा मिल रही है उनको, उनके अधिकारियों को, उत्तर अधिकारी है ना, उनको सब सुविधा मिल रही है, लेकिन यहाँ राजस्थान में अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर संख्या की बात करें हम, तो राजस्थान में कितने संख्या में होंगे स्वतंत्र सेनानी या उनके परिवार? जिंदे तो 7-8 हैं इस टाइम पे जी, पूरे राजस्थान में 7-8 ही हैं आजकल जिंदे, वो सब समाप्त हो गए, तो उनके जो अधिकारी उत्तर अधिकारी है ना उनको ये सुविधा मिले कि जो और स्टेटा मिल रही है, वो स्टेटा में जो बाहर मिल रही है सब वो मांग रहे हैं, हमको नई चीज़ तो मांग ही नहीं रहे हैं। 2006 से पहले है राजस्थान सरकार में भी स्वतंत्रता सेनानियों को वो महंगाई भत्ते हो, जमीन अलॉटमेंट हो, ऐसे तमाम तरह की सुविधाएँ दी जा रही थी, लेकिन अब है वो पूरी तरह बंद कर दी गई है। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में स्वतंत्र सेनानी के उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरियों में शिथिलता हो या नौकरी देने की बात हो, जमीन अलॉटमेंट की बात हो, ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही, लेकिन राजस्थान में वो बंद कर दी गई है। और उन सभी के विरोध में आज जो शहीद स्मारक जयपुर पर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, और सरकार को, राजस्थान सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा जो बलिदान था, हमारा जो त्याग था, शायद वो सरकार है वो भूल गई है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की, जो हमारे भारत देश की आज़ादी में काफ़ी लंबा योगदान रहा है, उन्होंने चाहे वो काले पानी की सज़ा हो, घोर यातना हो या फांसी की सजा, ऐसी तमाम तरह की यातनाओं से गुजरते हुए भारत देश को आज़ाद कराया, लेकिन आज तमाम सरकार है वो उनको भूल चुकी है, इनके बलिदानों को भूल चुकी है, सिर्फ कागज़ों में या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो तभी इनको याद किया जाता है, लेकिन जब देने की बात हो, मान सम्मान की बात हो, तो सरकार है वो दरकिनार कर लेती है। तो उन्हीं सब मांगों के लिए शहीद स्मारक जयपुर पर सब स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों ने एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, बार बार ये प्रशासन को चेता रहे हो, ज्ञापन के द्वारा, अनेकों माध्यमों के द्वारा वो सरकार को चेता रहे हो, अनेक स्तर की वार्ता होती है, लेकिन वार्ताओं में सिर्फ नतीजे कुछ नहीं निकलते, सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जाते हैं। तो थक हार कर इन्होंने शहीद स्मारक की तरफ रुझ किया है, राजस्थान प्रदेश भर के सभी स्वतंत्रता सेनानी वो लगातार वो धरना दे रहे हैं, मौन सत्याग्रह इनका चल रहा है, आज वो सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, तो देखते हैं सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान दे पाती है या नहीं देती है, या सिर्फ कोरे कागजों में ही, सिर्फ बोलने में ही घोषणाएं होती है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक, जयपुर।